माता शीतला कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? भारत के कई राज्यों में माँ शीतला के मंदिर हैं, लेकिन जो मंदिर गुरुग्राम में है उसकी खास मान्यता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर का रिश्ता सीधे महाभारत काल से है। क्या आप जानते हैं माँ शीतला देवी कौन थी और क्यों ये मंदिर इतना खास है? गुरुग्राम हरियाणा स्थित शीतला माता का ये मंदिर बहुत ही पुराना और सिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है, इसलिए इनके दर्शन करने से शारीरिक रोगों से छुटकारा मिल जाता है। खास तौर से चर्म रोग से जुड़ी बीमारियां तो दूर भाग जाती हैं। आपको बता दें, माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए रहती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के आंगन में एक बेहद चमत्कारी पीपल का वृक्ष भी है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति कलावे के साथ इस वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। फिर वो चाहे आपके विवाह से जुड़ी प्रार्थना हो या संतान से या फिर नौकरी से। खास बात तो ये है कि अगर ऐसा शीतलाष्टमी के दिन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इस मंदिर में भैरव बाबा की भी मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि माँ शीतला के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आपने भैरव बाबा के दर्शन किए हों। इसलिए अगर आप इस मंदिर आए हैं तो माता के साथ साथ भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का क्या रिश्ता है महाभारत से। प्रचलित कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तब उनकी पत्नी कृपि अपने पति यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ सती होना चाहती थी। इसलिए वो द्रोणाचार्य की चिता में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी। उस समय कई लोगों ने उनको समझाया और सती होने से रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता कृपि ने सती होने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और जाकर अपने पति की चिता पर बैठ गई। लेकिन चिता में बैठते वक्त उन्होंने सभी लोगों को ये आशीर्वाद दिया कि आज मैं जहां सती हो रही हूं, उस जगह पर जो भी मनुष्य अपनी मनोकामना लेकर आएगा उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि माँ शीतला देवी शक्ति अवतार हैं और ये भी भगवान शिव की जीवन साथी हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो शीतला देवी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। कहा जाता है कि जब देवलोक से माता शीतला धरती पर आ रही थी तब वो भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर उसे साथ लाई थी। उस समय माँ के हाथों में दाल के कुछ दाने भी थे। जब वो धरती पर रहने आई तो उस समय के राजा विराट ने शीतला माता को अपने राज्य में रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। इस बात पर माता को बहुत क्रोध आया और वो गुस्से से लाल हो गई। उनकी उस क्रोध की अग्नि से राजा विराट की सारी प्रजा के शरीर में लाल लाल दाने निकल आए। इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से लोग मरने लगे। ये सब देखकर राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत माता के क्रोध को शांत करने की एक तरकीब सोची। उन्होंने शीतला माता को ठंडा दूध और कच्ची लस्सी चढ़ाई, तब जाकर माँ का क्रोध शांत हुआ। और तभी से हर साल शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शीतलाष्टमी के दिन ही ऐसा क्यों होता है। दरअसल ये दिन माँ शीतला को बहुत ज़्यादा प्रिय है।
या आप ये भी कह सकते हैं कि शीतलाष्टमी का दिन शीतला माँ को समर्पित है, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति माता की पूजा अर्चना करके पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करता है, उसको सुख शांति और धन की कभी कोई कमी नहीं होती। स्कंद पुराण में माता की अर्चना स्रोत को शीतलाष्टक के नाम से बहुत विस्तार से बताया गया है। आपको बता दें, शीतलाष्टक की रचना खुद भगवान भोलेनाथ ने की थी, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके। माता की इस पूजा में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस खास पूजा में शीतलाष्टमी के दिन पहले शीतला देवी का भोग तैयार कर लिया जाता है और शीतलाष्टमी के दिन फिर उसी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। कई जगह बासी खाने को बसौड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, शीतलाष्टमी के इस मंदिर में एक बार आप दर्शन करने जरूर जाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।